शायद आप लोग के भी जहन में ये क्वेश्चन तो जरूर से आया ही होगा कि क्या हम लोग के अलावा यानी कि हम इंसान के अलावा इस अर्थ को छोड़कर कोई और भी ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जो कि हैबिटेबल जोन में आए, यानी कि वहाँ पर भी हमारे अर्थ जैसा ही इन्वायरमेंट हो और भी जो चीज़ हमारे अर्थ जैसा मौजूद है। वेल, ऐसा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिन्हें एक्जो प्लैनेट कहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्जो प्लैनेट के बारे में ही देखने वाले हैं। अब वेल, इसे मैं बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया हूँ, यानी कि तीन वीडियो में मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से आपको क्लियर करूँगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सोप्लैनेट के बारे में कंप्लीटली डिटेल से जानेंगे। सो फटाफट से अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अलेक्जेंडर वोल्ज़ेगजेन और डेल फ्रेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग में सबसे पहले यह चीज क्वेश्चन आया था कि क्या हम इंसानों के अलावा यानी कि हमारे पृथ्वी के अलावा और भी कोई ऐसा प्लैनेट है क्या जहां पर हम अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सकते हैं या वहाँ पर लाइफ हो भी सकती है। सो वहीं से ये चालू हुआ इस चीज़ का खुरापाती दिमागी आइडिया कि क्या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स या ऐसे कोई सेलिस्टियल बॉडीज मौजूद है हमारे यूनिवर्स में। सो जैसा कि मैं बताया, इस टर्म को हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। अब एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, यानी कि हमारी सोलर सिस्टम से हटकर कोई दूसरा और सोलर सिस्टम, यू कह सकते हैं एक वर्ड में। अब जिस जगह पे ये बहुत सारे एक्सोप्लैनेट एक साथ मौजूद रहते हैं वो पूरे जगह को हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, जिसके अंदर काफी सारे एक्सोप्लैनेट एक साथ मौजूद होते हैं। अब एक्सोप्लैनेट एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट है जहां पर हमारे अर्थ जैसा, लगभग अर्थ जैसा ही एटमॉस्फेयर हो या तो वो हैबिटेबल जोन में आता हो। अब हैबिटेबल जोन का मतलब है वो किसी सन जैसे स्टार का ऑर्बिट करता हो जिसके वजह से उसको लगातार लाइट एनर्जी मिलती रहे, उसके ऊपर काफी सारे रिसोर्सेस हो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करने की, बस यही चीज है एक्सोप्लैनेट। अब वेल, हमारे इस यूनिवर्स में तो काफी सारे एक्सोप्लैनेट अब तक फाइंड किया जा चुका है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसे फाइंड कैसे किया जाता होगा, क्योंकि ये तो हमारे सोलर सिस्टम से नज़दीक है नहीं, ये हमारे सोलर सिस्टम से 50 से 100 लाइट ईयर दूर ही मौजूद है। सो अब तक तो कोई ऐसा चीज़ निकला नहीं है जो कि उतना दूर तक जाकर इन्हें पता कर पाए। सो वेल, इन्हें पता किया जाता है दो मेथड से। पहला मेथड है ट्रांजिस्ट मेथड और दूसरा है रेडिकल वेलोसिटी मेथड। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिस्ट मेथड को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर प्लैनेट है वो अपने स्टार का हमेशा ऑर्बिट करते रहता है, और ऐसा तो कभी कोई पॉइंट आएगा जिस समय जो प्लैनेट है वो अपने स्टार का बिल्कुल सामने आ जाएगा, जिस वजह से उसके स्टार का जो लाइट होगा वो हमारे धरती तक कुछ डिम मात्रा में पहुंचेगी, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हो। अब वेल, इसी चीज से ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ, वहां पर कोई तो ऐसा प्लैनेट मौजूद है जो कि उस स्टार को ढक रहा है, जिस वजह से हमारे पास तक लाइट बहुत कम आ रही है। और सेकेंड मेथड है रेडिकल वेलोसिटी मेथड। अब ये मेथड ये बताता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम में हर चीज़ एक दूसरे की ऑर्बिट करते रहती है। ये चीज़ आप लोग को भी सुनकर हैरान लगेगी कि हमारा सन भी अपने ऑन एक्सिस पे कुछ दूर ऑर्बिट करता है, वो इसलिए जुपिटर जैसे भारी मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से वो अपने ही ऑर्बिट पे ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा ही ऑर्बिट करते रहता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी प्लैनेट है तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन उसका स्टार भी कुछ तो ऑर्बिट करेगा उस प्लैनेट का, जिस वजह से ये पता चल जाता है कि हाँ, वहाँ पर कोई ऐसा सेलेस्टियल बॉडीज मौजूद है जो कि इतने बड़े स्टार को रोटेट कर रहा है यानी कि ऑर्बिट कर रहा है। वेल, इसमें से सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज होता है और अभी तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे गए हैं वो इसी मेथड से ढूंढे गए, जो कि है ट्रांजिस्ट मेथड, जैसा कि मैंने बताया। अब इसी को लेकर एक कीपलर मिशन भी हुआ है जो कि कीपलर एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर रखा गया था, जिसे कि नासा ने किया था। वेल, इसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी के द्वारा काफ़ी सारे एक्सोप्लैनेट की खोज हुई थी और आज के समय में मैं अगर मेन एक्सोप्लैनेट्स का नाम लूँ तो जैसे कि ग्लीज 667 CC और कीपलर की तो पूरी सीरीज जी समझ लो, क्योंकि कीपलर 20B, कीपलर 452B, कीपलर 62F, ऐसे बहुत सारे कीपलर के एक्सोप्लैनेट्स हो चुके हैं जो कि ठीक हमारे अर्थ जैसे ही एक स्टार का राउंड अप कर रहा है यानी ऑर्बिट कर रहा है। अब एक्सोप्लैनेट के भी चार टाइप होते हैं, तो चलिए आइए एक्सोप्लैनेट के इन चार टाइप्स को देखें कि आखिर कौन कौन से वो टाइप है जो कि एक एक्सोप्लैनेट को डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहला टाइप है एक्सोप्लैनेट का गैस जायंट। अब जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही सुन रहे होंगे कि ये एक बहुत बड़ा गैस का गोला, जैसे कि हमारे इस सोलर सिस्टम में जुपिटर है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कुछ भी नहीं होता है। सेकेंड है नेपच्यूनियन। अब इसके नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा कि नेपच्यूनियन यानी कि नेपच्यून और यूरेनस जितना साइज का कोई ग्रह दूसरा हो उसे नेपच्यूनियन एक्सोप्लैनेट के रूप में माना जाता है। थर्ड है सुपर अर्थ। अब सुपर अर्थ यानी कि बिल्कुल हमारे अर्थ जैसे, यानी कि अर्थ का जेरोक्स हम समझ सकते हैं,
जहाँ पर लाइफ काफ़ी हद तक फेवरेबल रहती है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। और फोर्थ है टेरेस्ट्रियल एग्जोप्लैनेट। अब इस प्लैनेट पे हमारी लाइफ तो अच्छे से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये प्लैनेट कम्प्लीटली तरीके से रॉक से भरा होता है, यानी कि पूरी तरीके से एक रॉक मटेरियल का बड़ा गोला मान सकते हैं इसे। और अब मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि आखिर कैसे कीपलर मिशन से काफी सारे एग्जोप्लैनेट को फाइंड किया गया और अब तक कितने सारे एग्जोप्लैनेट फाइंड कर चुके हैं।